कब है और माघा श्राद्ध में पितृ का तर्पण करने से कितने फल की प्राप्ति होती है और पितृ प्रसन्न होते हैं? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। जिस नक्षत्र को पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं वह नक्षत्र का स्वामी का विशेष लाभ होता है। अब इस बार मघा नक्षत्र जो है, मघा नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो पितर हैं, और मघा नक्षत्र इस बार संजोग ऐसा लगा है कि 29 सितंबर को मघा नक्षत्र पड़ रहा है। जिनका श्राद्ध नहीं हो सका है या जो विशेष रूप से श्राद्ध करना चाहते हैं या पितरी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो विशेष रूप से यदि आप मघा नक्षत्र में 29 सितंबर को विशेष रूप से श्राद्ध करें तो इससे प्रेत, आपके पितर जो हैं उनकी मुक्ति होती है और विशेष लाभ होता है, क्योंकि माघा नक्षत्र के स्वामी पितरी हैं, अर्धमा जिसका नाम है, और उस दिन अपने पितरों की तृप्ति के लिए यदि आप श्राद्ध न कर सकें तो तर्पण उस दिन अपने पितरी के नाम से करें, तो आपका मघा नक्षत्र का पितृ तर्पण और श्राद्ध का फल आपको मिल जाएगा।